प्रभा खेतान फाउंडेशन एंड एहसास वुमेन ऑफ नागपुर, प्रवीण तुली, ज्योतिका कपूर, मोनिका भगवागर सहित मैं प्रियंका कोठारी आपको आप सभी का इस 15वें कलम में बेहद स्वागत करती हूँ। यह सत्र श्री सीमेंट रैडिसन ब्लू नागपुर और लोकमत द्वारा प्रस्तुत है। प्रभा खेतान फाउंडेशन भारतीय कला सहित संस्कृति को बढ़ावा देने के अलावा विभिन्न सामाजिक कल्याण की गतिविधियों से जुड़ी कैलकटा स्थित एक एनजीओ है। उन्हीं में से एक पहल है कलम अपनी भाषा अपने लोग, जहां हम हिंदी के साहित्य और साहित्यकारों को सम्मानित करते हैं। साहित्य के ऐसे ही आफताब को रोशनी दिखा रही हूँ। आज की हमारी लेखिका अतिथि मिसेस रक्षंता जली का परिचय दे रही हूँ। वैसे आपके परिचय से तो कोई नाकाबिल ना वाकिफ नहीं है, पर रीत है तो निभा रही हूँ। रक्षंता जी का जन्म 21 जुलाई 1963 में अलीगढ़ में एक परंपरागत खानदान में हुआ। आपकी शिक्षा मिरांडा हाउस दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुई। मास्टर्स के कई वर्षों बाद उन्होंने पीएचडी प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट एज रिफ्लेक्टेड इन उर्दू लिटरेचर में की। आपका मानना है कि पीएचडी एक उम्र के बाद ही करनी चाहिए। इनकी थीसिस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने लाइकिंग प्रोग्रेस लविंग चेंज के रूप में प्रकाशित की। रक्षंता जी आज एक जानी मानी लेखिका, आलोचक और साहित्यिक इतिहासकार और अनुवादक है। अभी तक आपकी 25 किताबें और 50 निबंध प्रकाशित हो चुके हैं। दिल्ली में कम ज्ञात स्मारकों पर लिखी एक किताब द इनविजिबल सिटी आज भी एक बेस्टसेलर है। आपने हिंदी और उर्दू के नफ्स को खूब टटोला है और कैफी आजमी, गुलजार और प्रेमचंद जी के कामों का अनुवाद किया है। आप हमेशा धर्म निष्पेक्षता की हामागर रही हैं और आपने हिंदुस्तानी आवाज नाम की एक संस्था की स्थापना की है, जो हिंदी और उर्दू दोनों ही भाषा और संस्कृति का प्रचार के प्रचार प्रसार में अग्रसर है। आपकी निजी लाइब्रेरी में प्रेमचंद मंटो के साथ लोनली प्लैनेट और कुकरी बुक्स भी शामिल है, क्योंकि इन्हें दावतें बनाना और देश विदेश में घूमना उतना ही पसंद है। वे आज भी ताज ग्रुप की बाय एनुअल मैगजीन ताज मैगजीन की एडिटर हैं। आप सोशल मीडिया में भी काफी एक्टिव हैं। आपको कई अवार्ड से नवाजा गया है, जिनमें शामिल है कैफी आजमी अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन टू उर्दू, द फर्स्ट जावेद मेमोरियल प्राइज फॉर उर्दू ट्रांसलेशन, फिफ्थ वानी फाउंडेशन डिस्टिंग्विश्ड ट्रांसलेटर अवार्ड। वैसे बताने को तो बहुत है, पर अब हम शायद इस कॉन्वर्जेशन में से ज्यादा उनके बारे में पता करेंगे। वेलकम रक्षंता जी, इट्स अ कंप्लीट ऑनर एंड अ प्लेजर टू हैव यू विद अस। वी कैन स्टार्ट द कॉन्वर्जेशन परवीन। या थैंक यू प्रियंका। जैसे प्रियंका ने बताया कि रक्षंता जी के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में इतने विभिन्न विभिन्न किरदारों उन्होंने अपनाया है और काफी उन्होंने अलग अलग बीइंग एन एडिटर, ट्रांसलेटर, ऑथर और काफी कुछ चीजें उन्होंने की है। तो प्रश्न ये बनता है कि वो अपने आप को एक लिटरेरी हिस्टोरियन के नाम से पहचानी जाती है, और जब मैंने ये फर्स्ट टाइम टर्म सुना तो मैं रक्षंता जी से पूछना चाहूंगी, क्योंकि ये एक बहुत न्यू टर्मोलॉजी है जो लोगों की शायद अभी पहचान नहीं है। सो वेलकम रक्षंता जी, और आपके परिचय जो कि बहुत बढ़िया प्रियंका ने दिया है, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि एक लिटरेरी हिस्टोरियन जो आपकी पहचान बन चुकी है, उसका क्या मतलब होता है और आप अपने आप को उस इमेज से, उस किरदार से कैसे आप उस चीज से हमें वाकिफ कर सकती है? Thank you, Praveen. Thank you, Priyanka, for that very generous introduction. And thank you also to the Prabha Khetan Foundation. It's a pleasure to be talking to all of you.
टू आंसर योर क्वेश्चन परवीन, यू नो ये बात मुझसे अक्सर पूछी जाती है कि आखिर ये लिटरेरी हिस्टोरियन क्या जीव जंतु है, मतलब व्हाट इज इट, वी नो ऑफ अ लिटरेरी पर्सन, वी नो ऑफ अ हिस्टोरियन, बट हु इज अ लिटरेरी हिस्टोरियन? एंड दिस क्वेश्चन कम्स टू मी ऑल द टाइम फ्रॉम यंग पीपल, आई गो टू यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस टू गिव लेक्चर्स, फ्रॉम ओल्डर पीपल. सो एसेंशियली पुट वेरी ब्रीफली, आई थिंक अ लिटरेरी हिस्टोरियन इज समबडी हु लुक्स एट दैट इंटरसेक्शन, यू नो दो धारे जहाँ आके मिलते हैं. एक धारा साहित्य का है, अदब का है, दूसरा धारा इतिहास या हिस्ट्री का है. वो जगह जहाँ ये दोनों आके मिलते हैं, वो जो कॉमन पॉइंट है इनका, इंटरसेक्शन पॉइंट है, वो एक जगह है जो मेरे जैसे लोग जो बाय ट्रेनिंग लिटरेरी हिस्टोरियंस हैं, हम उस जगह को टटोलते हैं. यानी हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि लिटरेरी लिटरेचर और हिस्ट्री में कितनी सिमिलैरिटी, कितना फासला, कितना क्लोजनेस, कितना फासला है. एक एग्जाम्पल देती हूँ, जलियांवाला बाग एक हिस्टोरिकल इवेंट है, 1919 में होता है अमृतसर में, और उससे पूरा हमारा भारतवर्ष का, बल्कि पूरे सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री बदल जाती है. इतनी बड़ा एक इवेंट होता है, वो एक छोटे से शहर में होता है अमृतसर में. गांधी जी कहते हैं आज के बाद अंग्रेजों का यहाँ रहना मॉरली अनटेनेबल है. इतना बड़ा अगर एक हादसा होता है तो श्योरली कहीं ना कहीं तो वो लिटरेचर में निकल के आया ही होगा, ऐसा मेरा मानना था. तो मैं ढूंढना शुरू करती हूँ जो जो लिटरेचर्स मैं पढ़ पाती हूँ. मैं सब पंजाबी मैं नहीं पढ़ पाती, बट आई टेक द हेल्प ऑफ अदर्स. तो मैंने हिंदी में, उर्दू में, इंग्लिश में, पंजाबी में देखना शुरू किया कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिसमें जलियांवाला बाग का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रेफरेंस मिलता है. तो मुझे बहुत सी चीज़ें मिली, मुझे पोएम्स, प्लेज, बहुत सी चीज़ें मिली. आई कैन टॉक एट लेंथ अबाउट दैट, बट मैं उसको एग्जाम्पल के तौर पर देना चाह रही हूँ. लिटरेरी हिस्टोरियन वो होता है जो देखता है कि लिटरेचर और हिस्ट्री कहाँ आके मिलते हैं और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हैं. इसी चीज को हम एक तरह से और मैं आपसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि लिटरेरी हिस्टोरियंस जॉब इज टू जॉइन द डॉट्स. यानी वो बिखरे हुए डॉट्स हैं. हमें एक टेक्स्ट में इंटरेस्ट है, लेकिन हमें कॉन्टेक्स्ट में अक्सर नहीं इंटरेस्ट होता. मेरे जैसे लोगों को टेक्स्ट में भी इंटरेस्ट है और मुझे कॉन्टेक्स्ट में भी इंटरेस्ट है. अगर मंटो एक स्टोरी लिखते हैं 1932 में फॉर एग्जांपल, तो मुझे इस बात में भी इंटरेस्ट है कि 32 में क्या हो रहा था. मुझे इस बात में भी इंटरेस्ट है कि 32 में और कौन क्या लिख रहा था. सो दैट इज वेयर my interest in approaching a text is slightly different from somebody else's, because I am very curious about the context. जिसके लिए हिंदी में बड़ा अच्छा वर्ड है संदर्भ, क्योंकि संदर्भ भी आपको सिखाता है कि इस टेक्स्ट को कैसे अप्रोच करें, इस टेक्स्ट में क्या चीज है जो आप शायद वैसे you might be blind to it or you might not give it importance, but when you look at the context, then you say, oh, this is what they meant when they said this. Oh, that's brilliant. आप मतलब काफी patterns read करते हैं कि किस तरीके से उस चीज का जन्म हुआ और क्यों वो चीज लिखी गई. और so I'm a literary, you can say, and this is the first time I'm saying this, but you have given me this clue. I look at tea leaves, but I look at tea leaves left in other people's writings. Brilliant, and I think that's a great scientific approach to look at. Yes, it as well. Yes, tea leaves are supposed to predict the future and the past. So I think I look at the tea leaves that people have left in their writings. Yeah, that's brilliant. Rakshanda ji, आपने बहुत ही life की शुरुआत जब आपने की, आपने masters किया, लेकिन आपने जब PhD की, after your 25 years of doing your masters, you actually went ahead and did your PhD. And I was having a conversation with you jahan apne, because it's not a very easy choice to make, because 25 saalon mein insaan ka interest aur linear education se ek gap ho jata hai. So we would love to know your journey of that choice aur kya kya challenges aapko face karna pade. You know, from my own experience, I think to young people, I always say that this linear education is not all that it's made out to be. In some countries, a gap year is not just advised, but it's almost like mandatory in some ways. Like in Israel, you take a year out, you do military service or something, and then you go back to college. I'm not suggesting that military service or something like that should be made mandatory, but I am saying that I am an advocate of having breaks in your education. It actually does you no harm. In fact, it does you good. Speaking for myself, I did a BA and then a master's simply because my parents thought sirf BA se kya kaam chalega, to kuch to aur padhna chahiye. So I did it just to please them. But
Then I started working in publishing companies, and there's a place in Delhi called India International Center. I worked there. I taught English. I did various things at the university. And wo sab karne karane ke baad, I was also reading in a very random, haphazard way. So wo 20-25 saal ki jo reading thi, wo waste nahi jaati hai. And this is important, you know, no reading actually ever goes waste. वो लिफाफा पुराने लिफाफा जिससे बन जो अखबार से बनता है लिफाफा जिसमें मूंगफली आती है या सब्जी आती है या अमरूद आते हैं उसको भी पढ़ना चाहिए कभी कभी हु नोज उसमें कोई कहानी हो यू नो सो नो रीडिंग इवन ऑन अ ओल्ड न्यूज़पेपर ऑन अ स्क्रैप ऑफ पेपर इन विच यू रैप्ड योर ओल्ड शूज एंड पुट अवे इवन दैट हु नोज देयर समथिंग हिडन इन दैट सो माय लॉजिक इज दैट Any reading, random, haphazard, scattered, will actually enrich you as a person in the longer run. In my case, I think what I was reading over those 25 years was not going waste, you know, and life's experiences, running a home, having a children, being a, you know, a homemaker, all of that. I mean, I was working also, I was not sitting idle, but the point is all of those things come together. So when you sit down to write, your PhD and the thesis requires very rigorous writing, then I think you are richer from all your diverse experiences and nothing goes waste. You know, in Asia in particular, in China, in India and everywhere, there's a lot of premium given to this whole, you know, this following a chronology, following a line, yeah. You know, and we want to be, we have these tiger moms who are constantly chasing their kids to do this, that, the other, without breaks. And I'm saying those breaks are sometimes fallow periods, you know, where we are reinventing ourselves, we are finding ourselves, we are enriching ourselves. So let us not be fearful of gaps in our education, in our work experience, in life. Yeah. So your topic of the PhD was progressive writers movement. Yeah. So what made you choose that topic and how's that topic so close to you and why did you choose it? Yeah, so we've all heard of Manto, we've all heard of Premchand. These are big names, yes. And we've encountered them in our, Premchand certainly we've encountered in school. Manto also, many of us have read. But what many people didn't know, at least till that point when I started my work 10 years ago, 2010 is when I sat down to write my thesis. Most people don't know that they were all actually part of a very powerful literary grouping known as the Progressive Writers Association. It was set up in April 1936, and Premchand, who will die a few years later, in May he dies. So in April, he comes to give the inaugural address of the All India Progressive Writers Association. And Premchand has been doing a certain kind of writing, which is socially engaged, socially purposive. वो ये कहते हैं कि समाज की तरफ भी हमें ध्यान रखना है, हमें अपने दुख दर्द का जिक्र करना है, लेकिन उसको एक कॉन्टेक्स्ट में, एक संदर्भ में, जो कि समाज का कॉन्टेक्स्ट है। तो प्रेमचंद ये बात कह रहे हैं, मंडो ये बात कह रहे हैं, whole generation of poets like Fairs and others have been talking like this. We have to talk about the world in which we live, you know. So we know all these names, but what we didn't know till a certain point was that they were all part of a movement. What do movements do? They amplify your voice. आप और मैं एक दूसरे से एक बात कह रहे हैं तो शायद हम इसको इसका फैलाव ना कर सके लेकिन जब आप और हम और 10 लोग और मिल जाते हैं तो हम एक मूवमेंट का हिस्सा बन जाते हैं वी आर एबल टू एम्प्लीफाई आवर वॉइस आवर कंसर्न्स देन रीच अ wider audience. So I was interested, to come back to your question, I was interested in what the movement as a whole was doing. Not one or two writers, not just Manto, not just Isma Chuktai, not just, you know, one or two big names. But wo daur aisa tha, 1930s, 40s, 50s tak, 30-40 saal tak ka ek period tha Indian history mein, jab yahi writers cinema ke liye likh rahe the. You had Sahir Ludhianvi, you had Kaifi Azmi, you had, you know, a whole bunch of these people writing for films, taking part in plays. The all in IPTA was very powerful. So cinema, theater, writing was all coming together. And people had similar concerns. So this is what interested me, the range of concerns. Yeah, you talk about the art of art and the art for life.
Yeah. So this is the first time that I've ever looked at writing from these two perspectives. Yeah. Would you like to talk about the art? What is the difference, and which one is closer to you? That's a very interesting question, actually, Praveen. I'm so glad you've asked this. ये दो धाराएं हैं. हम हिंदी में बात करें, इंग्लिश में करें? बिल्कुल. आप हिंदी. It's a column, so we can talk in. हम हिंदी में बात कर सकते. अच्छा, फिर तो बहुत अच्छा. तो साहित्य में दो धाराएं रही हैं, आज से नहीं, सालों से. हमने उसको शायद नाम ना दिया हो, लेकिन वो धाराएं हमेशा से हैं. पहली दफा जब केवमैन ने, नियांडरथल मैन ने अपनी आवाज उठाई थी जुल्म के खिलाफ, तो उसने इनजस्टिस का कॉन्सेप्ट उसके ध्यान में था. उसके ध्यान में ये बात थी कि ये नाइंसाफी हो रही है, मुझे इसके खिलाफ आवाज उठानी है. तो ये नोशंस दे गो बैक टू आदिकाल से ये बातें चल रही हैं. तो हमने भले ये नाम ना दिए हो, इसको स्कूल्स ऑफ थॉट की तरह ना सोचा हो, लिटरेरी स्कूल्स की तरह ना सोचा हो, लेकिन दो धारा थी. एक धारा थी आर्ट फॉर आर्ट से, यानी आपको बाग में फूल खिलता है अपनी खुशी के लिए खिलता है, माली की खुशी के लिए नहीं खिलता है. इसी तरह से मैं अगर एक पोएम लिख रही हूँ तो मैं अपनी खुशी के लिए लिख रही हूँ, या मैं अपने दुख को हल्का करने के लिए लिख रही हूँ. आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है. ये है आर्ट फॉर आर्ट सेक, जो कहता है कि हमें अपना साहित्य, अपनी पेंटिंग, अपनी म्यूजिक अपने लिए बनानी है, और हम उसमें जितना मर्जी चाहें इंडिविजुअल, इडियोसिंक्रेटिक, सब्जेक्टिव इमेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं. ये तो एक बात हुई. इसके बिल्कुल विपरीत एक और स्कूल ऑफ थॉट है जिसको कहते हैं आर्ट फॉर लाइफ सेक. वो कहता है नहीं, आई कांट अफोर्ड टू यूज वेरी इंडिविजुअल, वेरी सब्जेक्टिव, वेरी पर्सनल इमेजेस. आई एम गोइंग टू यूज इमेजेस जो आपकी भी समझ में आए, एक्स की, वाई की, जेड की, सबकी समझ में आए. और मैं जो लिख रहा हूँ वो मैं अपने लिए नहीं लिख रहा हूँ, मैं समाज के लिए लिख रहा हूँ. तो ये दो धाराएं हैं, और ये बिल्कुल जैसे नदी के दो किनारे होते हैं, वो मिलते नहीं हैं. ये दो धाराएं उस तरह से हैं कि ये हमेशा से, आदिकाल से ये बह रही हैं, और ये मिलती नहीं है, इनमें कोई मेल नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बिल्कुल विपरीत ऑब्जेक्टिव्स हैं. तो मेरा जाती तौर पे ये मानना है कि मैं सिर्फ अपने लिए अगर कुछ लिखूंगी तो मुझे इस कमरे के बाहर जाके उसको छपवाने का हक नहीं है, ऐसा मुझे लगता है. मुझे लगता है कि फिर मैं अपने लिए लिख लूँ और अपनी डायरी में लिख लूँ, या अपने लैपटॉप में लिख लूँ, एंड दैट्स इट. बट अगर मैं पब्लिशिंग की बात सोचती हूँ, या मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, या आपके प्लेटफॉर्म पे आके आपसे बात कर रही हूँ, तो मैं सिर्फ ये नहीं कह सकती कि आज मैंने लंच पे चाट खाई. ठीक है, मैंने लंच पे चाट खाई, बट सो वॉट, वाई इज इट ऑफ इंटरेस्ट टू यू? आई हैव टू राइट ऑफ समथिंग विच इज ऑफ अ लार्जर कंसर्न. आई हैव टू मेक कॉमन कॉज विद समथिंग. अगर मैं नेशनलिज्म की भी बात कर रही हूँ, तो मैं सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग का नेशनलिज्म की बात नहीं कर सकती हूँ. मैं फेमिनिज्म की बात कर रही हूँ, जमींदारी की बात कर रही हूँ, लैंड रिफॉर्म की बात कर रही हूँ, राइटर्स, फार्मर्स प्रोटेस्ट की बात कर रही हूँ, किसी भी चीज़ की अगर बात कर रही हूँ, आई हैव टू यूज अ वोकैबुलरी जो आपको भी समझ में आए, एक्स को भी समझ में आए, वाई को भी समझ में आए. तो मैं जो इमेजेस इस्तेमाल करूंगी वो मैं बहुत पर्सनल या बहुत इडियोसिंक्रेटिक या बहुत सब्जेक्टिव इमेजेस का इस्तेमाल मुझे नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको कैसे समझ में आएगा. तो मेरी पर्सनल इंक्लिनेशन इज मोर टुवर्ड्स आर्ट फॉर लाइफ सेक. सो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब आप ये दो धाराएं की बात करती है, सो क्या इसमें अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन यू लुक एट अ बिगर पिक्चर कम्स मोर, एंड आल्सो द क्रिटिसिज्म अटैच्ड टू इट? कि जब आप अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए आप कुछ लिख रहे हैं, तो वो तो आपका पर्सनल इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव है जो आप बता रहे हैं, लेकिन when you are taking the responsibility, आप एक larger picture को, जैसे आपने बहुत ही बेहतरीन books लिखी हुई है, बड़े-बड़े Muslims, I'm like, you wrote a book which is like, but you don't like look like a Muslim, and the topics which are more catered toward bigger religious as well as entities, and आपकी धाराएं political भी काफी open हैं, तो क्या सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ ज्यादा होती है, और आप उसे इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि आप उसे एक लार्जर पर्सपेक्टिव से उसे एक प्रश्न पूछ के या फिर क्वेश्चन करते हैं आप उस चीज को? देखिए, समझ तो मेरी अपनी पर्सनल होगी, वो मेरे दिमाग के अंदर है, मेरे दिल के अंदर है, मेरे जो भी मेरे आसपास के इन्फ्लुएंसेस हैं वहां से आ रही है, लेकिन उसको कहने का तरीका मुझे ऐसा बनाना होगा जो सबको समझ में आए. तो मैं बहुत ज़्यादा पर्सनल इमेजेस, बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव इमेजेस का अगर इस्तेमाल करूँगी तो आई विल नॉट सर्व द पर्पस दैट आई वांट टू सर्व. सो कम्युनिकेशन मेरे हिसाब से इज़ द की.
कोई भी लिखता किस लिए है? हम डायरी तो नहीं लिख रहे हैं ना, हम मेमोर तो नहीं लिख रहे हैं. मेमोर भी अगर आप लिख रहे हैं तो आप चाहते हैं कि इसको कोई पढ़े. यू नो ट्रैवलॉग भी अगर आप लिख रहे हैं तो आप चाहते हैं तो आप किसी को कोई इसको पढ़े. तो एक ऐसी डायरी लिखना जो सिर्फ प्राइवेट है, जो कि आप अपने लैपटॉप में लिख रहे हैं या अपनी बंद डायरी में लिख रहे हैं और आप नहीं चाहते कि कोई और पढ़े, वो अलग टाइप की राइटिंग है. उसमें आप जितना मर्जी यू कैन वेंट, यू कैन आई डोंट नो, यू कैन बी as sad or as hopeless or as whatever you want. But when you're writing something which you know that you're writing for publication, you know, then you have to be a little more careful, and you also have to use words and images and ideas and vocabulary that is accessible. मतलब बढ़िया से बढ़िया चीज लिख ली गई और वो किसी की समझ में नहीं आई तो इट्स अ केस ऑफ जंगल में मोर नाचा, यू नो. सो योर कम्युनिकेशन कैनॉट बी अ कैजुअलिटी ऑफ योर आइडियोलॉजी. और ये जो मेरा PhD थीसिस था उसमें भी जो वो मूवमेंट क्यों खत्म हुआ, मूवमेंट की शेल्फ लाइफ क्यों जल्दी आ गई, क्योंकि उन लोगों ने आइडियोलॉजी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दी. उन्होंने कहा नहीं, हम तो राइटर्स लोगों को बताने लगे कि इसी पे लिखो, फैक्ट्री वर्कर्स पे लिखो, किसानों पे लिखो. तो इसमत चुगताई ने कहा कि मैं तो फैक्ट्री वर्कर्स और किसानों को नहीं जानती हूँ, मैं जिस समाज को जानती हूँ मैं उसके बारे में लिखूंगी. सो डोंट डिक्टेट टू मी. सो देयर वाज अ लॉट ऑफ इनफाइटिंग, देयर वाज अनहैप्पीनेस, देयर वाज अ होल लॉट ऑफ व्हाट शुड आई से, इट वाज अ डिवाइडेड हाउस बिकॉज वन लॉट ऑफ पीपल वाज टेलिंग अनदर लॉट ऑफ पीपल राइट ऑन दिस. तो मुझे एक हार्ड लाइनिंग हो जाती है. जो चीज शुरू होती है बहुत अच्छे इंटेंशंस के साथ, बट विद टाइम उसमें एटीट्यूड्स क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, उसमें एटीट्यूड्स हार्ड लाइन हो जाते हैं, तब प्रॉब्लम्स आती हैं कि एक लॉट दूसरे लॉट को कहने लगता है नहीं तुम्हें इसी पे लिखना चाहिए, और वो दूसरा बंदा कहता है नहीं मैं इस पे नहीं लिखना चाहता हूँ, यू नो. सो फ्रीडम ऑफ स्पीच भी इम्पॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन भी इम्पॉर्टेंट. यू नो राइटिंग के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, 2+2=4 का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है कि हम कहें ये वन साइज फिट्स ऑल. पीपल हैव टू फाइंड देयर ओन इक्वेशंस. ऑल्सो रक्षंदा जी, जब यू हैव बीन एन एडिटर, अ ट्रांसलेटर, क्या ये सारे रोल्स आपको बहुत हेल्प किया है टू बिकमिंग एन ऑथर दैट यू ट्रूली आर आज? जहाँ आप लुकिंग एट अ लार्जर पिक्चर ऑफ इट, यू आर एबल टू गिव इट जो लोगों को समझ आए. या सो बिफोर आई क्रॉस्ड द बार एज इट वर एंड बिकेम अ राइटर, आई वाज एन एडिटर. मैंने बहुत साल पब्लिशिंग कंपनीज में काम किया, वेयर आई वाज एडिटिंग अदर पीपल्स वर्क. आई वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम एज असिस्टेंट एडिटर एट द इंडिया इंटरनेशनल सेंटर वर्किंग ऑन अ जर्नल. तो एडिटिंग आपको सिखाता है बहुत नज़दीक से किसी चीज़ को पढ़ना, गौर से पढ़ना और फिर उसको करेक्ट करना. सो इट्स नॉट जस्ट ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करेक्ट करना या यू नो क्रॉसिंग द आईज, डॉटिंग द टीज वाली चीज़ें, बल्कि रेपिटिशंस क्या हैं, क्या ये अपनी बात क्लियरली कह रहा है ये राइटर के नहीं, हाउ कैन आई हेल्प देम राइट दिस बेटर. You know, that's what an editor does. You fix other people's language. You're not a ghostwriter. Ghostwriting bilkul alag cheez hai. So I was not ghostwriting for them, but I was fixing their work for them. Aur ye bhi matlab car mechanic jo hota hai wo usko gaadi chalana to aati hai, lekin usko ye bhi pata hota hai ki agar ye awaaz aisi nikal rahi hai to iska matlab engine mein ye gadbad hai. So he knows how to fix that. तो एडिटर जो होता है, कॉपी एडिटर जो होता है, वो उसको ये पता है कि अच्छा ये फॉल्स नोट है, यहाँ पे ये कुछ गड़बड़ है, आई कैन फिक्स इट. एंड इफ आई कैन फिक्स इट, एटलीस्ट आई कैन क्वेरी द ऑथर एंड आस्क देम व्हाट डू यू मीन दिस और डू यू मीन दिस. सो यू आस्क इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, यू पुट योरसेल्फ इन द प्लेस ऑफ द लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर. यू से अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा एज अ रीडर, तो पढ़ने वाले को भी समझ में नहीं आएगा, तो प्लीज पहले तो ये समझाइए कि आपका मतलब क्या है, देन आई विल हेल्प यू फिक्स इट. सो ये सब चीजें जब आप खुद लिखने बैठते हैं, एंड आई ब्लॉसम्ड वेरी लेट एज अ राइटर, आई वॉज परफेक्टली हैप्पी एडिटिंग अदर पीपल्स वर्क. जब मैंने लिखना शुरू किया तो ये सब चीजें से मुझे फायदा हुआ, मुझे आसानी हुई, और आज जब मैं अपनी कॉपी पब्लिशर्स को भेजती हूँ तो वो साफ कॉपी होती है, वो क्लीन कॉपी होती है, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी फिक्स्ड इट, आई हैव ऑलरेडी यू नो एडिटेड माई सेल्फ. और ये आप में से जो लोग भी सुनने वालों में से जो लोग भी लिखने में इंटरेस्ट रखते हैं, ब्रूटल एडिटिंग करना सीखिए. यू नो ये मत सोचिए कि हाँ हमने लिख दिया. इवन इफ इट्स एन ईमेल यू आर सेंडिंग,
let's say you're a businesswoman and you have a official correspondence, or you're sending a business any email, please revisit it. Learn to edit yourself. It's a great skill. And it kabhi waste nahi jati, you know. आपने कुछ भी लिखा है वो परफेक्ट तो नहीं हो सकता, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप ठीक कर सकते हैं. दैट्स कॉपी एडिटिंग बेसिकली. लर्न टू डू दैट विद व्हाटएवर यू राइट. इट विल रियली हेल्प यू. दैट्स ब्रिलियंट. सो एडिटिंग से फिर ट्रांसलेशंस पे आते हैं. लाइक हाउ वाज दैट फेज ऑफ योर लाइफ जहां पे आपने ट्रांसलेशंस किए, और एंड व्हेन वाज योर ट्रांजिशन पीरियड फ्रॉम बीइंग एन एडिटर ट्रांसलेटर एंड यू चोज टू बिकम अ राइटर. Right. So I used to work at the India International Center, and sometime in 92 I'd gone to the Sahitya Academy to meet somebody for work. Wo editor the wahan ke magazine ke. Kuch kaam se main gayi and kuch baat hone lag gayi ki wo Premchand ka copyright usi samay free hua tha. 70 years after the death of a writer, the copyright becomes free and anybody can publish or translate it. तो वो सज्जन जो थे वो बैठे हुए थे, उन्होंने कहा मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ जो मेरे लिए एक स्टोरी ट्रांसलेट कर दे, आप ही क्यों नहीं कर देती हैं. आई वॉज वेरी सरप्राइज. ऐसे सर मैंने तो कभी ट्रांसलेशन किया नहीं है. इसे तो क्या हुआ, आपकी बात सुन के मुझे लग रहा है कि आपकी इंग्लिश तो ठीक है और आपकी उर्दू भी ठीक ही होगी. मैंने कहा हाँ है तो ठीक ठाक, पढ़ लेती हूँ मैं. तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है. एंड ही जस्ट पुल्ड आउट अ स्टोरी फ्रॉम हिज ड्रॉअर एंड ही गिव इट टू मी, प्रेमचंद स्टोरी. इट वाज कॉल्ड मंदिर मस्जिद. एंड ही सेड मुझे ये छापनी है और आप मुझे दो हफ्ते में ये करके दे दीजिए. So I said, are you sure, sir? I was a young woman and I was never translated before. So he said, yeah, yeah, kar dijiye. Main dekh lunga, agar kuch gadbad hogi, I'll see it. So I translated it, I gave it to him. He liked it, he published it. And I was like this person who had tasted blood. Matlab jaise wo kehte hai na ki khoon lag jata hai munh ko janwar ko. To mera to wo haal tha ki mujhe to bahut acha laga wo ek kahani karke. तो 92 में उसी समय कॉपीराइट खुला था प्रेमचंद का. किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी. फैमिली से नॉर्मली यू हैव टू टेक परमिशन व्हेन यू ट्रांसलेट समथिंग. यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द ऑथर, एंड इफ नॉट यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द लिटरी एयर या फैमिली या एस्टेट या व्हाटएवर. बट 70 इयर्स हो चुके थे, ऐसी कोई जरूरत नहीं थी. तो मैंने 12 कहानियां अपने मन से चुनी, खटाखट उनके ट्रांसलेशंस किए. एंड कभी कभी द टाइमिंग इज राइट. उसी समय हार्पर कॉलिंस इंडिया में शुरू हुआ था, नया नया उन्होंने, दे जस्ट स्टार्टेड शॉप इन दिल्ली. एंड सो आई वेंट टू हार्पर कॉलिंस एंड आई सेड आई हैव दीस स्टोरीज, डू यू वांट टू पब्लिश देम. दे सेड हां छाप लेते हैं, हमें तो किताबें चाहिए. एंड देन द जर्नी जस्ट स्टार्टेड. दैट्स ब्रिलियंट. देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इन द चैट व्हिच इज सेइंग व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसलेशंस. देखिए कोई क्वालिफिकेशंस नहीं चाहिए होती. इस वक्त एवरीबॉडी अंदर आंटी इज ट्रांसलेटिंग टुडे. इट्स अ कॉटेज इंडस्ट्री एंड इन अ कंट्री लाइक आवर्स इट मेक्स परफेक्ट सेंस. ऑल ऑफ अस हैव मोर देन वन लैंग्वेज. मोस्ट ऑफ अस हैव थ्री लैंग्वेज. इंग्लिश तो हमें आती है, हिंदी भी हमें आती है अच्छी बुरी, और एक कोई भाषा हमें और आती है, मराठी, गुजराती, उर्दू, कोई ना कोई एक लैंग्वेज हमको मेरे ख्याल से आती है. आपको शायद मराठी आती होगी, आप जहाँ रहती हैं हिंदी आती होगी, इंग्लिश आती होगी. तो ऐसी कंट्री में जहाँ हम बाय नेचर मल्टीलिंगुअल हैं, जहां हमें ये सुविधा है कि हमको अनेकों भाषाएं आती हैं एक के बजाय, तो फिर हम तो मेरे ख्याल से नेचुरल बॉर्न ट्रांसलेटर्स हैं एक लिहाज से. लेकिन इसके लिए हमें फिल्टर्स की भी जरूरत है. ये नहीं कि आपको आती है इसलिए आपने कर दी और आपने उसको फिक्स नहीं किया, आपने उसको एडिट नहीं किया, आपने उस पर मेहनत नहीं की. ये मैं नहीं कह रही हूँ. मैं ये जरूर कह रही हूँ कि कोई क्वालिफिकेशंस की जरूरत नहीं है. आपको दो भाषाएं आना चाहिए, एक भाषा थोड़ी ज्यादा आनी चाहिए जिसमें आप कर रहे हैं, और एक भाषा लेट्स से आप फॉर एग्जांपल मराठी से इंग्लिश में कर रहे हैं, आपको मराठी इतनी आनी चाहिए कि आप उसका लोकल फ्लेवर समझते हैं, आप उसकी इडियोमैटिक्स डिटेल्स समझते हैं. इंग्लिश लेकिन आपको इतनी ज्यादा आनी चाहिए, उससे ज्यादा आनी चाहिए, बिकॉज आप ट्रांसलेशन इंग्लिश में कर रहे हैं. सो यू कांट अफोर्ड टू हैव अ क्लम्सी इंग्लिश, यू कांट अफोर्ड टू हैव समथिंग दैट साउंड्स वेरी नेटिव, यू कांट अफोर्ड टू हैव समथिंग दैट साउंड्स वेरी ऑकवर्ड. तो दो भाषाएं आपको आना है. कोई आपको कोर्स करने की, ट्रांसलेशन स्टडीज में कोई डिप्लोमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत भी नहीं आती है कभी किसी को. बस ये है कि करने से पहले पढ़िए. पहले तो अपने आप से पूछिए आपने कितने ट्रांसलेशंस पढ़े हैं. वॉक इन टू अ बुक स्टोर इन योर सिटी, गो थ्रू द ट्रांसलेशन सेक्शन, और गो ऑन अमेज़न, लुक अप द ट्रांसलेशंस दैट आर देयर, रीड बिफोर यू ट्रांसलेट. दैट्स इम्पोर्टेंट. सो अगेन ट्रांसलेशंस करना भी बहुत एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का जॉब है, बिकॉज किसी ने यहाँ भी लिखा है कि वो स्टोरी ट्रांसलेट करते करते उस एनर्जी ना चेंज हो जाए, वो चीज की
क्रक्स ना चेंज हो जाए जो वो ऑथर लिखना चाह रहे हैं. बिल्कुल या वो बहुत जरूरी है. एक मैं इसके लिए एक और वर्ड इस्तेमाल करूंगी, ह्यूमिलिटी की जरूरत है. ये आपकी राइटिंग नहीं है और ये आपकी राइटिंग नहीं हो सकती. भले ही जब किताब छप रही है आपके कवर पे आपका नाम ऑथर के नीचे जा रहा है, बट आपको ये याद रखना है दैट इट्स नॉट योर बुक. लाइक दिस फॉर एग्जांपल इज माय बुक बिकॉज आई रोट इट इन इंग्लिश, सो इट्स माय बुक. बट इस समय मेरे पास कोई है नहीं, लेकिन जो ट्रांसलेशन की किताबें हैं वो मेरी किताबें नहीं हैं, यू नो वो किसी और की किताब है. तो हम बहुत लिबर्टीज नहीं ले सकते. नेचुरली हमें एक कॉन्टेक्स्ट से एक लिटरेरी वोकैबुलरी से दूसरी लिटरेरी वोकैबुलरी में जाने के लिए ऑफ कोर्स वी हैव टू मेक सम एफर्ट, यू नो, टू क्रॉस दैट लैंग्वेज बैरियर. एंड अ लैंग्वेज लाइक हिंदी और उर्दू एंड अ लैंग्वेज लाइक इंग्लिश आर वेरी डिफरेंट. यू नो सौंधी खुशबू जैसे होती है. आई लव टू गिव दिस एग्जाम्पल. देयर इज अ वर्ड फॉर सौंधी इन इंग्लिश, पेट्रिचोर. But who uses petrichor? Whereas in Hindi we say sondhi हर समय. हम रोटी के लिए कहते हैं, हम बारिश के पानी के लिए कहते हैं, हम वैसे ही जो जमीन पे पानी गिर जाता है उसके लिए कहते हैं, हवा में जो हल्की सी स्मेल होती है उसके लिए हम कहते हैं. So we use the word sondha all the time. So I can't just say petrichor. People A won't know what it means. They'll go running to the dictionary and B it will not convey that feeling. So I try and say damp, and I know damp is not quite the right word for it. It's not sondha, you know, sondha. ये word. तो ये challenges हमेशा आएंगे जो geography, culture, इन चीजों से related है. England में तो बारिश हर समय हो रही होती है. तो England में रहने वाले 10 साल के बच्चे के लिए बारिश का कोई magic नहीं है. इंडिया में रहने वाले 10 साल के बच्चे के लिए बारिश का मैजिक है, क्योंकि वो मानसून के समय आएगी. There'll be the drama of the clouds and, you know, घन गरज के साथ बारिश होगी. So that even a 10-year-old kid in India will understand what the rains means. It's a magical time. पेड़ धुल जाते हैं, मम्मी का मूड अच्छा हो जाता है, everything becomes okay. But it's not the same for a 10-year-old kid in UK, for example. So cultures, geographies, literary cultures, folk cultures, everything comes and affects your translation. Yeah. So you also ventured into fictions, yeah, which is like I think aapne fiction aur saath saath mein the art of life in a holistic way, you can say. You have actually catered many subjects. So which is the genre that you love doing it? You know, I've written one collection of short stories and in 2010. I have some ideas at the back of my mind. One day, maybe I will again write fiction. But what I truly like to write are biographies. Okay. You know, I've written two so far. And I love that. And not the personal details, ki kiska kiske saath affair tha. That sort of detail doesn't interest me. You know, I'm interested in what was their literary life like. So when I write I've written one of a woman called Dr. Rashid Jahan, another of a poet, an Urdu poet called Shahryar. So I'm not interested in their personal life. To some extent, their personal life comes in a tangential way, but not in the gory details. Those I'm not interested in. But I am interested in the life of the mind. कि उनके ध्यान में क्या था जब उन्होंने ये चीज लिखी. Shahryar is the poet who wrote the songs for Umrao Jaan, for example, right? Mm-hmm. So many of his songs have been sung for cinema. Very well-known poet, very popular on the Manch and so on. So when you read something by him or you listen to something by him sung by Asha Bhosle, you wonder what was he thinking when he was writing this? What were his influences? Who influenced him to in his early years? You know, so that life of the mind, the life of a poet, that is of interest to me. So biographies are of interest. So that brings on again the question, like who was your inspiration and who was your interest when you were growing up? Okay, so I went to Delhi Public School in Delhi, Mathura Road, mm-hmm. and my mother was our school librarian. Mm-hmm. So I think she was a big part in my interest. Junior school used to get over about hour, 2 hour before senior school. She was in the senior school library. So when my school got over, I would sit with her so that we could all go back together. And I think those 2 hours, I read anything and everything I could find my hands on. And our school library was it was a very rich library in the sense usme bahut tarah ki kitabein hoti thi. And mummy rokti nahi thi bachchon ko ke, like kuch schools mein hota hai na ki kitabein bas band rakhi hoti hain,
and the librarian is very strict, jo ye mat kholo, wo mat kholo types. She was not like that. So her library was huge and people could, it was open shelves. So people could just pull out anything and read anything. And as a kid, waiting for those 2 hours to get over, so when senior school got over and I could go back with my mother, I think I just learned to just feel and touch a book and read a book and read anything. And the good thing about our school was that, you know how it is in English medium schools, there's a bit of a snobbery about Hindi, you know, how I work in Hindi types. So this school was not like that. You know, this school, there was a very rich Hindi collection also. Hindi ke magazines bhi aate the, Hindi ki kitabein bhi thi, English ki bhi kitabein thi, science pe, bahut tarah ki cheezein thi. To hum har tarah ki cheezein padhte the, you know. And I think wahan se ek habit ban gayi ke learn to read eclectically, yani ek ya do vishay pe nahi, balki aneko vishayon pe padho. And then you find your favorites. Mine was, for example, Jane Austen. I loved reading Jane Austen. So you can find your favorites, but aap favorite kaise dhoondoge jab tak aap bahut si cheeze nahi padhoge? Yeah, bilkul. I think there are so many questions coming, but we'll also love to ask about Hindustani Awaz Sanstha. Would you like to tell us how was it born and where is it today, or kaise aap, you have so many volunteers who are coming together and taking it ahead? Yeah, so 2001 or so, I began to feel that, you know, ye jo sarkari ya quasi sarkari ya private whatever sansthaen hain for language promotion, ye ek tarah se ghettoize karti hain languages ko. You know, they're not inclusive, they are exclusive. They say ki acha, you know, certain sort of people come. And I said, living in Delhi, I'm struck by the huge amount of interest in Hindustani, which is this intersection of Hindi and Urdu. Not Shuddh Hindi, not very Nastaleek Urdu, but Bolchal ki zaban, jo filmon mein sunte hain, achhi zaban, jo kaan ko sunke achhi lage, jo padh ke achha lage, jisme koi cheez aisi ho, jo dil ko chhue. Aur aisi bahut cheeze hain. To mujhe ye lagne laga ki shayad ek aisi jagah ki zarurat hai, jo venue ke lihaz se mainstream ho. Jaise if those of you who know Delhi, somebody earlier said that they know Delhi. Was it Priyanka? Someone said, I forget who. So, you know, there is a place called the Habitat Center. There's a place called the India International Center. There's the Oxford Bookstore. There is the Attic, which is in Connaught Place. So, aisi aisi jagahein humne identify ki aur shuru kiya India International Center se. 2001 se leke ab tak, isko main akeli chalati hoon. Isme koi board of trustees, blah, blah, kuch nahi hai. As my kids have grown up, they've come to help me. They volunteer, they put in their time and resources. They'll do a fake FB page for me or this or that. We have no money. And this is very important. I want to share this with your listeners. You know, we always say ki koi bhi program karna hai, ek musical program bhi karna hai, to hume paise chahiye. Mera ye manna hai, even in this day and age where money defines who you are, actually, you don't really need money to do something. You just need a lot of enthusiasm and you need to pull in people. You need to pull in people into your sphere and say, okay, why don't you give me the space free? Why don't you design the poster for me? And why don't you sort of, you know, do this, that, the other, help me with the voluntary work. Bagair paisa liye hue, we don't have a bank account. In 15 years, 20 years almost, I have not felt the need to start a bank account for Hindustani Awaz because I take no money and I give no money. So the artists who come take no money. We have none to give. And it's an article of faith. Jab hum itne garv se kisi se kahenge ki ji hum na paise lete hain na paise dete hain, to dusra banda bhi kahe kis muh se wo aapse paise mangega. You know, so they come gratis and people give us their space, ISC or someone. Iska purpose sirf yahi hai ki hum jagah banaye apne dimag mein sabse pehle to, aur phir apni zindagi mein, apne shahar mein, ki how do we open up spaces and say come to us and come and do your event here and let's see if people are interested. Maybe they are, maybe they haven't come across something like this, maybe they don't want to go to a Bharatiya Hindi Sabha or an Urdu Anjuman because they think are wahan to bade gud vichar wali baat ho rahi hogi. So let's go to a space which is open, which is common, you know. Yeah. So ye jo aapki sanstha hai, isme aapne bola hai you are promoting languages,
And I think language and literature, दोनों. Literature. I mean, सिर्फ language तो वो होता जब अगर मैं कहती कि मैं आपको उर्दू tutorial दे रही हूँ कि उर्दू teaching class. That's not my job. There are other people doing it. I don't have the skills to do that. I'm not doing that. So language और उससे जुड़ा हुआ जो एक literary culture है, that is what interests me. Wow, that's a brilliant thing. I think there are so many questions coming, but we have something which is called a rapid fire round. But the first phase of it, मैं आपको थोड़े से questions पूछूंगी आपके books के around. And जब मैं इन books का नाम लेती हूँ, what is it that comes to your mind? आप उन books के एक crisp crust आप कुछ pressy दीजिए हमें, like your journey of writing them or what is the message that they are conveying. So the first book that I would love to talk about is But You Don't Look Like a Muslim. It's a question that has haunted me all my life. And when I was in school, when I went to college, it's meant as a compliment. It's meant as a surprise. And I'm saying, how can one look like one's religion? Maybe Sikhs can because they have the turban, or some Muslims who wear a cap or a burqa, but all don't. So un baakiyon ka kya hai? And why do we have this obsession with stereotyping people? Why do we want everybody to look the same? Why do you tell a very fair person, arey, aap to itne fair hai, aap to South Indian nahi lagte. So what is this obsession we have about appearances? बात शुरू वहां से होती है. एंड देन दिस इज एक्चुअली नॉट जस्ट अबाउट बीइंग अ मुस्लिम, बट दिस बुक इज अ कलेक्शन ऑफ 40 एसेज, एंड दे आर एसेज ऑन रिलीजन, ऑन कल्चर, ऑन आइडेंटिटी, ऑन पॉलिटिक्स, ऑन अ होल बंच ऑफ इश्यूज. ओह दैट्स ब्रिलियंट. द नेक्स्ट वन इज इनविजिबल सिटी. यू नो इन दिल्ली वी हैव अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी. इतनी ज्यादा हमारे पास रिचेज हैं कि हमें उनको संभालना नहीं आता है. तो इसलिए हम आधे से ज्यादा को के बारे में जानते नहीं है. वी जस्ट इग्नोर देम. ओके, द नेक्स्ट वन इज पिजन्स ऑफ द डोम्स. दिस इज अबाउट कॉमनलिज्म, एंड आई थिंक वी नीड टू कॉल आउट द एलिफेंट इन द रूम व्हिच इज कॉमनलिज्म. हमारे इर्द गिर्द हर तरफ हमारी हवा में इस वक्त कॉमनलिज्म है, और ये कहना से कोई फायदा नहीं है कि अरे वी आर एक्चुअली नॉट लाइक दैट, वी आर वेरी सेक्युलर पीपल. That's not true. Most of us are becoming infected with the virus of communalism, and I think we need to address it. Acknowledge करेंगे तब शायद उसका कोई समाधान होगा. जब तक हम acknowledge ही नहीं करेंगे और हम कहते रहेंगे कि ये तो कोई problem ही नहीं है, then we'll never find a solution. Oh, that's brilliant. A rebel and her cause. This is about a very remarkable woman, Dr. Rashid Jahan, a doctor, an activist, a writer. Founding member of the IPTA and the Progressive Writers Association. She was a rebel, but we need to understand her cause also. And her cause was social justice, social change. Samaj mein badlav aana. Yeah, awesome. Neither night or day, nor day. Okay, this was a collection of short stories by Pakistani women writers. We all think, pata nahi wahan kya haal hai auraton ka. So I said, let's get them to speak. You know, let's get them to write about themselves and their lives. तो कुछ तो वो बहुत ही traditional कहानियाँ थीं about feudalism, about women living lives in parda. But कुछ बड़ी unusual कहानियाँ थीं जो कि कहीं पे भी हो सकती हैं. They could happen to us in India. A young woman going for an interview and her heel breaks. You know, so it's a very cute story. I thought कि वो जल्दी जल्दी में है, वो इंटरव्यू के लिए जा रही है, उसकी उसके शू की हील ब्रेक कर गई है, उसके कपड़े क्रम्पल हो गए हैं. यू नो, सो वेरी ह्यूमन स्टोरीज. सो आई वांटेड टू सी हाउ डू वी डिफाइन दिस ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम अ कंट्री दैट वी डोंट नो वेरी मच अबाउट. सो लेट्स ट्राई एंड नो देम थ्रू देयर राइटिंग्स. सो वन ऑफ द स्टोरीज वाज नाइदर नाइट नॉर डे, एंड देयर वर 10 अदर स्टोरीज इन दैट कलेक्शन. दैट्स वेरी ब्यूटीफुली पुट. ट्रेटर. This is a lovely novel by a remarkable Urdu writer, a man called Krishan Chandar. Gaddar. Hindi, Urdu mein likhte the wo. Aur novel ka naam tha Gaddar. Maine usko traitor ke naam se wo kiya tha. Ye likhi to 47 ke aas-pas, matlab likhi to 60s mein gayi thi, lekin it's located in 1947. Partition ka samay hai aur wahan se yahan ek aadmi hai, wo aa raha hai aur uski kahani hai. गद्दार लेकिन इम्पॉर्टेंट हमारे लिए इसलिए है कि हम आज एक ऐसे भारत में रह रहे हैं जहां भीड़ से अलग खड़े होके जो आदमी कुछ कह रहा है, कुछ भी कह रहा है, चाहे वो अच्छी बात कह रहा है, चाहे वो गलत बात कह रहा है, लेकिन अगर वो भीड़ से अलग है और वो बाकी लोगों से अपना दिमाग लगा के कुछ और बात कह रहा है, तो उसको हम गद्दार कहते हैं. एंटी नेशनल ट्रेटर. तो
इतनी इंटरेस्टिंग बात थी कि कृष्ण चंद्र जी की ये नॉवल जो उन्होंने 60s में लिखी है, लेकिन वो लोकेटेड 47 में है, इतने साल पहले कही हुई बात आज भी हमें हमारे लिए मीनिंगफुल है, एंड देयर लेसन्स टू बी ड्रॉन कि हमने क्यों नहीं ये सबक सीखा 70 साल में, क्यों नहीं हमने ये सीखा कि तब भी हम यही गलती करते थे कि हम बड़ी जल्दी से लोगों को एंटी नेशनल बोल देते थे, आज भी हम यही गलती कर रहे हैं। आपके वन थिंग दैट आई हाईली रेकमेंड इज आपके एक इंटरव्यू में आपने बताया कि वी आर सो वेरी ओपिनिएटेड, हम लोग इतना जल्दी रिएक्ट कर जाते हर चीज को, एंड स्पेशली इन दिस एरा वेयर वी आर सो कनेक्टेड एंड आवर ओपिनियन इज सो, वी थिंक आवर ओपिनियन इज सो वैल्यूएबल, लेकिन वी डू नॉट रिफ्लेक्ट, गो विद इन एंड सी वेदर दैट्स रियली व्हाट इट इज. सो थैंक यू फॉर दैट. आई थिंक देयर आर लॉट मेनी क्वेश्चंस कमिंग इन द chat box. So Jyoti, if you can invite more people who would love to ask a question and talk to Ms. Lakshanda ji. Yes, I'll take up the questions. There are a few questions in the chat box itself. So people are asking questions and few have raised the hands also. I'll take up the first question for Lakshanda ji. This is the question by Nivedita and she is asking, how can one go ahead with the kind of research you have done in order to write novels or stories to use the incidents like the example what you have shared about Jallianwala Bagh and the concerned history and related incidents so that it doesn't become an error in mention? Yeah, that's a very interesting question. You know, when you're writing fiction, aap research karo na karo, aap phir bhi usko cover up kar sakte hain. There are cracks that you can plaster. But when you're doing the kind of writing I do, which is about literary histories, then you can't afford to get your facts wrong. And everything is not available on internet. Everything you can now increasingly, a lot of libraries have put out their archives and collections online. So sometimes you can find certain things, but there's still nothing to beat the idea of going to a library and doing your research. So I'm a freelance writer. I'm not like part of an institution ke mere paas puri institutional backing hai ke main apne sanstha ke through kuch access kar sakti hu. To mere jaise logon ko ek interlibrary loan network hai jo sab bade shaharon mein hai, aapke shahar mein bhi hoga, pata kijiye. In Delhi it's called Delnet, in Bombay it's called Bomnet, Calnet, so on and so forth. So what Delnet does is I go to a Delnet counter, any major library has it, and I say, I'm looking for this book and I can't find it anywhere. So the Delnet people will help you locate that book and they will get a dispatch rider to get you that book on loan. You read it and you return it. Kehne ka matlab ye hai, to answer your question, Nivedita, that this kind of research, this kind of writing cannot be done without research. And research is important. और ये जो हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जमाने के लोग हो गए हैं ना, दिस इज वेरी रॉन्ग. दिस इंफॉर्मेशन दैट इज कमिंग टू अस थ्रू व्हाट्सएप हैज नेवर बीन वेरीफाइड. किसी ने इसको क्रॉस चेक नहीं किया, क्रॉस रेफरेंस नहीं किया, बस फॉरवर्ड कर दिया है, यू नो. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गो बैक टू सोर्सेज टू फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ. अगर एक्स ये बात कह रहा है, और इस बात को मैं फैलाते हुए कहूंगी कि नॉट जस्ट फॉर माई ओन राइटिंग, एनी इंफॉर्मेशन दैट इज कमिंग टू यू, if you're not sure of its sources, please verify whether it is about the coronavirus or it's about the vaccine or it's about Jallianwala Bagh or it's about any factual thing. We need to go to sources and find out and read up. You know, we can't just blindly forward, we can't blindly accept. And I think a lot of our misconceptions, a lot of our prejudices today in India, and yahan main ek political baat keh rahi hu, आर बींग फॉर्म्ड बिकॉज हम ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर लेते हैं. हमें व्हाट्सएप पे किसी ने भेजा और हमने उसको ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर लिया कि अच्छा यही होगा. सो प्लीज डू नॉट बी ग्रेजुएट्स ऑफ द व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, यू नो, जस्ट गेट आउट ऑफ दैट ट्रैप ऑफ व्हाट सोशल मीडिया इज टेलिंग यू. डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस. राइट. I hope, Nivedita, you got your answer. And one question, there is Yash iPad Air by the name of Yash. I'm asking you to unmute yourself and you can ask your question. Yeah. I'm Jyoti Goenka. Hello. Hi, Jyoti ji. Can you hear me? Yes, yes. You are audible. You can ask your question, Jyoti ji. Okay. I'm very impressed and very happy to meet you. And I share a similar passion with you. I want to write a biography also. What I wanted to ask you is, when you want to write a biography about someone, so obviously you are very impressed by them.
But you love them or you hate them. Yeah, it's either that. You love them or you hate them. I agree with you. But how do you write it in a way that it is interesting and everyone else wants to read it? You know, it's not just your opinion. Yeah. It's a tightrope walk. It's a fine walk because in being objective and not being too dry, bahut objective hone mein ek dar ye hota hai ki, you know, you're so safe. You're being so politically correct. जैसे मैंने शहरयार की बायोग्राफी लिखी तो उसके लॉन्च के समय ही जो सज्जन उसको लॉन्च कर रहे थे उन्होंने मुझसे हल्के से कहा अरे इसमें कोई मसाला तो है ही नहीं. सो यू नो यू आई एम पॉलिटिकली इनकरेक्ट. पॉलिटिकली इनकरेक्ट का भी बहुत बड़ा डर है कि आपने जैसे आप औरतों के बारे में कुछ लिख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल. सो यू नो समटाइम्स एक इनसेंसिटिविटी जो हमने इनहेरिट की है या एट द बैक ऑफ आवर माइंड होती है, हमने कोई चीज बेख्याली में भी लिख दी बट इट इज परसीव्ड एज बीइंग पॉलिटिकली इनकरेक्ट दैट देयर इज अ बायस, अ जेंडर बायस, अ कलर बायस, एन एथनिक बायस, अ रेशियल बायस, कुछ भी. हां, कह दिया अरे वो बड़ी काली सी लड़की थी या वो बहुत पतली सी लड़की थी. अब आजकल तो पॉलिटिकल करेक्टनेस का जमाना है. यू कांट बॉडी शेम पीपल, यू कांट डू एनीथिंग. यू कांट से पतली सी लड़की, यू नो. तो दिस इज एन एज वेयर यू आर बीइंग वेरी केयरफुल अबाउट अ होल होस्ट ऑफ इश्यूज. And that is why writing a biography can be walking through a minefield. So yeah, you have to be very careful. Yes, but it has to be funny also, right? I don't know about funny, but yeah, it has to have a human element because किसी को क्या interest है इसमें? आपके लिए वो बंदा बहुत interesting है, but बाकी लोगों को उसमें क्या interest है? So I don't know about funny. That depends. That subject may or may not be funny. The two biographies, for example, I wrote had no humor in them because उन दो लोगों की life में as such कोई humorous angle नहीं था. And I was writing for a serious audience, so I was not looking at humor, but yes, I was looking at humanity, like unki human qualities kya thi. Yes, okay. Thank you so much. You can mute yourself again, and there are a few more questions. We will take them very quickly. Another one is by Poonam Mishra. Poonam, you can unmute yourself and ask your question. I'm sorry, I'm the only one drinking tea, but unfortunately I can't offer it to anybody. We all have a guy came and gave it to me and I was so parched. So sorry about that. Yeah. So, hello, Poonam, ma'am. Yes, Poonam. Hello, ma'am. I am Poonam Mishra from Nagpur, and I also write. I wrote one Kavya Sangraha, two, three Kavya Sangraha, many more. I want to ask you, in today's world, how literature helps in grooming the personality? Helps in grooming the person. Yeah, because youngsters, they don't like it. नहीं, बट यंगस्टर्स को कल भी मेरी कहीं जूम टॉक हो रही थी, मैं यही बात कह रही थी कि हम यंगस्टर्स को क्यों ब्लेम करते हैं. हमारे घर में कितनी किताबें आती हैं, हमारे घर में कितने अखबार आते हैं. अगर हमारे घर में अखबार आते हैं और हम अपना मंथली बजट में से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी वी मेक श्योर दैट वी बाय बुक्स, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हमारे बच्चे बिल्कुल भी किताबें ना पढ़ें. अनलाइकली है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है. मतलब पॉसिबली वो कुछ ना कुछ उनको रुचि होगी, इंटरेस्ट होगा. तो हम बच्चों को ब्लेम करने से पहले अपने आप से क्या ये बात पूछते हैं कि हम खुद कितनी किताबें पढ़ते हैं. जैसे मैडम आपके पीछे में इतनी किताबें लगी है, ऐसे ही मेरे घर में भी एक प्रकार से लाइब्रेरी है. अच्छा. बट मैंने, मेरी बेटी को शौक है, बेटे का तो कभी उठा के भी नहीं देखता. स्वामी विवेकानंद की है, परमहंस की है, डिवाइन बुक्स है. तो स्वामी परमानंद और डिवाइन बुक्स में इंटरेस्ट ना हो तो हमें ये भी पता समझ के चलना है कि सब लोग एक ही सी किताबें नहीं पढ़ सकते हैं. हो सकता है वो हैरी पॉटर पढ़ता हो सकता है वो डिटेक्टिव फिक्शन पढ़ता हो सकता है वो किताबें पढ़ने के बजाय नेटफ्लिक्स पे फिल्म बेस्ड ऑन बुक्स देखता हो. इसमें भी कोई हर्ज नहीं है. यू नो, आइडियली एज पेरेंट्स हम तो चाहेंगे कि अगर हमें इंटरेस्ट है बुक्स में तो हमारे बच्चों को भी हो. लेकिन एज लॉन्ग एज उनको किसी ना किसी फॉर्म में स्पोकन वर्ड से इंटरेस्ट है और वो सिर्फ सोशल मीडिया और गेम्स की तरफ नहीं है उनका ध्यान, बट उनका ध्यान कहीं ना कहीं वर्ड की तरफ है. इमेज अपने आप में काफी नहीं, एक प्योरली फिलोसॉफिकल सेंस में सिर्फ इमेज अपने आप में मीनिंगलेस है. वर्ड हैं जो उसको मीनिंग देते हैं. तो अगर कोई सिर्फ फिल्म देख रहा है या सिर्फ वीडियो गेम्स देख रहा है या सिर्फ स्पोर्ट्स देख रहा है टीवी पे, तो कहीं उसकी जिंदगी का एक हिस्सा खाली है.
उस हिस्से को शब्दों से भरने की जरूरत है, एज अ पेरेंट मुझे ऐसा लगता है. थैंक यू सो मच पूनम जी फॉर योर क्वेश्चन. Question, I would ask Priyanka to unmute yourself, and I would request everyone to please ask one question and not to ask the questions, because we have lot many questions in the chat box. Priyanka, over to you for your question. Thank you. Rakshanda ji, I want to ask, I'm so sorry, Jyoti, but two questions. A, that you are a critic and a writer, like an author. So how do you put them, all the three in piece, the translator, the critic in you, and the author in you? So I understand what you're saying. And jaisa maine pehle kaha tha, maine humility ka word istemal kiya tha translations ke liye. Hum sabka ek ahankar hota hai, ek sense of self hota hai, ke this is who I am. Jab hum translations kar rahe hain, to wo hame ahankar nahi rakh sakte hum, kyunki hum kisi aur ka kaam kar rahe hain. To us samay ke liye hame apna sense of self hata dena hai, dur kar dena hai, aur kehna hai ki hum ek skilled craftsman hai, aur hamara kaam hai ki hum ek vocabulary bank se dusre vocabulary bank mein ek transfer kare. Jaise bank ka transfer hota hai, electronic transfer hota hai, hum ek vocabulary ka, literary sensibility ka, ek sandarbh ka, ek literary culture ka transfer kar rahe hain, aur ye hame ek skill hai जो कुछ तो भगवान की तरफ से मिली है, कुछ हमने अपने मेहनत से उसको स्किल को ठीक किया. तो ये तो ट्रांसलेटर का काम हो गया. फिर जो लिटरेरी क्रिटिक है, वो जो आपने इतना पढ़ा है वो आपकी मदद करता है कि ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, ये भी लिटरेचर पढ़ा है, हिंदी भी पढ़ा है, इंग्लिश भी पढ़ा है, T.S. Eliot भी पढ़ा है, प्रेमचंद भी पढ़ा है. इन सब चीजों का सार वर्ड समझती हैं आप, एसेंस. इन सब चीजों का सार मुझे लाना है कहीं अपने इस क्रिटिकल राइटिंग में, कि मैंने ये, और वो जो 25 साल का वक्फा था जो मेरे एमए और पीएचडी के बीच में, ये सार लव्स का मीनिंग मुझे तब समझ में आया. आप बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, रैंडमली पढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं जब आप लिखने बैठते हैं तो वो सारी चीजें आपकी मदद करती हैं. और तीसरी चीज हुई जो आपकी अपनी राइटिंग है, वहां आप जितना मर्जी अपना सेंस ऑफ सेल्फ का इस्तेमाल कीजिए, और आप कहिए कि मुझे तो यही कहना है और मैं डंके की चोट पे यही कहूंगी, और खबरदार जो इसका एक वर्ड भी तुमने चेंज किया. एंड यू से दिस टू योर एडिटर, यू नो, विद एज, आई एम 57 इयर्स ओल्ड, सो आई हैव द राइट टू टेल एन एडिटर इन अ पब्लिशिंग हाउस कि डोंट चेंज अ वर्ड ऑफ व्हाट आई एम राइटिंग, बिकॉज दिस इज व्हाट आई वांट टू से एंड दिस इज हाउ आई वांट टू से इट. सो ऑल योर ईगो एंड योर सेंस ऑफ सेल्फ, योर सेंस ऑफ pride in your own, जो भी कहना चाहें आप, वहां आप फिर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. उन बाकी जगहों में आप उसको encash नहीं करा सकते. यहाँ पे आप जितना मर्जी idiosyncratic हो सकते हैं, personal हो सकते हैं, subjective हो सकते हैं, आप I का इस्तेमाल कर सकते हैं, I think this, I want to say this, as I would like you to know, तो वो सब आप कर सकते हैं. जो उस तरह की writings में there's no I, you don't use an I there. You know? तो ये सब चीजें हैं जो आपको कंपार्टमेंटलाइज करना सीखना होता है कि आप, मैं किसके लिए लिख रही हूँ, मैं कैसी चीज लिख रही हूँ. मैं अगर कॉलम लिख रही हूँ तो मैं एक बहुत डिफ्यूज ऑडियंस के लिए लिख रही हूँ. वहां मैं आई कांट अफोर्ड टू बी सुपर स्पेशलाइज एंड सुपर नीश. तो आपकी ऑडियंस कौन है? और मैं एक चीज और कहूँ कि मैं जिस तरह से आपसे आज बात कर रही हूँ, मैं शायद अपनी वोकैबुलरी को थोड़ा सा ट्वीक करूं अगर कल मैं एक यूनिवर्सिटी ऑडियंस से बात करूंगी. तो मैं आई एम नॉट सेइंग कि मैं बिल्कुल अपने आप को बदल लूंगी. मैं गिरगिट नहीं हूं. आई कांट चेंज माय कलर्स, यू नो, सो आई कांट चेंज माय माइंड एंड माय व्यूज. आई वोंट डू दैट. बट शायद मैं उसको कहने के तरीके को, अगर मैं एक इंग्लिश ऑनर्स डिपार्टमेंट के मास्टर्स कोर्स के लिए बात कर रही हूं, तो मैं अपनी वोकैबुलरी को थोड़ा सा चेंज करूंगी. तो ये सब चीजें भी मैटर करती हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं और आप किसके लिए लिख रहे हैं. बातें वही रहेंगी. आई एम नॉट सेइंग कि मेरी 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 सोच ही बदल जाएगी. सोच तो मेरी वही रहेगी जो अब है, बट उसको कहने का तरीका शायद मैं दूसरी तरह से कहूं. So you like आप बाउंड्री सेट करके रखती हैं व्हेन यू, आप उनको नहीं सब है, क्योंकि स्पेशली क्योंकि मैं इतने अलग अलग तरह के चीजें लिख रही हूँ. अगर मैं सिर्फ शायद ट्रांसलेटर होती, या अगर मैं सिर्फ यूनिवर्सिटी में टीचर होती, या अगर मैं सिर्फ फिक्शन लिख रही होती, यू नो, तब फिर शायद मेरी वो बाउंड्रीज डिफाइंड होती हैं और मैं उसमें रह के काम करती हूँ. इस वक्त मेरी बाउंड्रीज चेंज होती रहती हैं. एक दिन से कुछ दिनों बाद मुझे एक यूनिवर्सिटी के एक एकेडमिक स्टाफ कॉलेज में एक लेक्चर देना है,
और वो मेरा लेक्चर बिल्कुल अलग होगा, उसकी मेरी वोकैबलरी, उसमें मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं प्रोफेसर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर से बात कर रही हूँ, वो भी इंग्लिश के, तो आई विल यूज अनदर काइंड ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस. And it's brilliant because that's what I think. आप सिर्फ ट्रांसलेटर नहीं है, and then in spite of that you have been awarded so widely for translation. And so another question is like is also related कि आप उर्दू ट्रांसलेशन करते हैं, so do you think it helps the language? And also want to know कि because we are हम ज़्यादा English पढ़ते हैं and कलम की तरफ से हम अभी हिंदी में बहुत introduce हो रहे हैं. But उर्दू का what is the scene like? काफी उर्दू राइटिंग हो रही है अभी. उर्दू में बहुत कुछ लिखा जा रहा है. उर्दू इज नॉट अ डेड और डाइंग लैंग्वेज. इन दिल्ली एटलीस्ट देयर इज अ लॉट ऑफ लिटरेरी फेस्टिवल्स. मैं जो हिंदुस्तानी आवाज के थ्रू करती हूँ, मैं तो रिलेटिवली छोटे स्केल पे करती हूँ, बट बड़े स्केल पे भी संस्थाओं के जरिए और तरह से बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, लिटरेरी फेस्टिवल्स होते हैं, लोग बहुत तादाद में, हजारों की तादाद में आते हैं उसमें सुनने. एक इंटरेस्ट तो है उर्दू में, इसमें कोई दो राय नहीं है. हाँ, उसको पढ़ने वाले दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं. उसमें भी मैं दो बातें कहूंगी कि बहुत से प्राइवेट इनिशिएटिव के जरिए ऑनलाइन, ये लॉकडाउन के ज़माने में हमने देखा ऑनलाइन की इम्पोर्टेंस हमें समझ में आई, तो बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी हो रहे हैं. और ये एक लोगों को गलत फहमी है कि उर्दू मुसलमानों की ज़बान है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. उर्दू एक स्टेटलेस लैंग्वेज है, जैसे गुजराती गुजरात की है, मराठी महाराष्ट्र की है, बांग्ला बंगाल की है, उर्दू का कोई स्टेट नहीं है. तो एक तरह से वो पैन इंडियन लैंग्वेज है कि जिसको भी इंटरेस्ट है वो सीख सकता है, बोल सकता है, पढ़ सकता है, समझ सकता है. और सिनेमा के और तरह से बहुत सी चीज़ें हैं. गोया के चुनांचे एक फिल्म में था, रिमेम्बर, मनोरंजन एक फिल्म थी, उसमें ये वर्ड आ गया था. तो एवरी नाउ एंड देन अलबत्ता, गोया के चुनांचे, इस टाइप के वर्ड्स हमारे कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं घूमते इधर से उधर से. तो आई थिंक उर्दू में इंटरेस्ट है, आई थिंक उर्दू में नया लिखा भी जा रहा है, पढ़ा भी जा रहा है. वो नंबर्स वेरी करते हैं बार बार, और वो जैसे बिहार में बहुत उर्दू लिखी जा रही है, पढ़ी जा रही है, बड़े अच्छे फिक्शन राइटर्स हैं. एक महिला हैं, एल्डरली लेडी, ज़किया मशदी, शी राइट्स ब्यूटिफुल शॉर्ट स्टोरीज एंड नॉवल्स इन उर्दू. तो अच्छा, यंग लोग भी लिख रहे हैं. एवरी नाउ एंड देन दिल्ली में मैं भी कराती हूँ और लोग भी कराते हैं यंग पोइट्स के मुशायरे. उसमें बिल्कुल नौजवान लड़के लड़कियाँ इतनी अच्छी शायरी कर रहे हैं कि आप हैरान हो जाते हैं कि ये कहाँ से आए, कैसे आए. एंड दे आर नॉट मुस्लिम्स, यू नो, दे आर, कोई हरियाणा से है, कोई पंजाब से है, कोई यूपी से है, कोई कहीं से है, यू नो, दो चार मुसलमान भी होते हैं, बट दे आर पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन्स. एंड दैट इज व्हेन यू, मैं जब वो मुशायरे सुनती हूँ, स्पेशली यंग पोएट्स वाले मुशायरे, तो मुझे लगता है इन लोगों ने तो खुद बड़ी मेहनत से सीखी है, यू नो. सो आई डोंट थिंक उर्दू इज डेड और डाइंग. Yes, the people who read it, the numbers keep fluctuating, those who read it in Urdu. And that is where translators and people like me can help to make a bridge. Ke, wo log jo nahin pad sakte, ya har cheez to nahin pad sakte, to humare jaise log ek tarah ka bridge banate hain. Ab jaise ye Premchand, sorry, Krishan Chandar ki novel Gaddar, it was just languishing, you know. And then Javed Akhtar, the poet, he met me somewhere and he said, aap ye kyun nahi translate karte? I said, Krishan Chandar, aajkal kaun padega? Isn't he a little out of fashion? He says, nahin. And he narrated the story to me. And he said, isko translate kijiye. And I was so entranced by the story as he described it to me. Mujhe laga, haan, iski toh badi relevance hai aaj. Isko toh padhne ki zaroorat hai. So every now and then, translations aapke liye khidki khodte hain. Phir aap kehte hain ki, achha, ये तो बड़ा अच्छा था, मुझे तो अच्छा लगा, लेट मी सी मैं कृष्ण चंद्र की और क्या चीज पढ़ सकता हूँ. फिर या तो आप उसको हिंदी में ढूंढ के पढ़ते हैं या आप उसको जिस तरह से भी पढ़ सकते हैं पढ़ते हैं. सो आई मीन ट्रांसलेशन एक्चुअली वुड हेल्प द लैंग्वेज. थैंक यू सो मच प्रियंका फॉर योर क्वेश्चंस. एंड वी विल क्विकली मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज बाय डॉक्टर सारा. शी इज आस्किंग, व्हाट मेड यू चूज द टाइटल यू डोंट look like a Muslim? Like I said in the beginning, this is a remark that I have heard all my life. And this is a remark that has come from educated people in my school, in my college, people in my neighborhood. Oh, but you don't look like a Muslim. So baat shuru wahan se hui thi.
And it started with this idea that people want conformity, that people want you to look like something, sound like something, be like somebody. So I think it was also a kind of a rebellion or a response to stereotyping. So yeah. Ma'am, did it cause any kind of negativity or negative feedback? I said in one of the earlier one of the questions that of course, you know, hum moor nahi mor sakte communalism se. Ye hamare ird gird hai. Aur isko kehne mein aur accept karne mein koi sharam bhi nahi honi chahiye. A lot of people say, oh, but I'm not communal and, you know, my tailor is a Muslim and my driver is a Muslim and I used to know this girl who was a Muslim in school. It's not about who you know and who you don't know. Aapke dil ke andar kya hai? Aap othering mein aur exclusion mein believe karte hain ya aap inclusion mein believe karte hain? Aap kehte hain ki, you know, everybody has a place under the sun. Baat sirf utni hai. I don't want to go into details of bigotry and politics, phir wo discussion bada political ho jata hai. Hum wo nahi karte. Lekin to answer your question, of course, communalism कुछ ना कुछ डिग्री में कुछ ना कुछ तरीके से तो रहा है, वो बस बढ़ता जा रहा है और वो इतना बढ़ता जा रहा है कि इट्स टेकिंग ओवर आवर लाइव्स. एंड आई एम सेइंग थ्रू दिस बुक एंड थ्रू माय ऑल माय अदर राइटिंग्स एंड टॉकिंग टू यू, आई एम सेइंग दिस अगेन, लेट्स नॉट अलाउ इट टू टेक ओवर आवर लाइव्स. बट हाउ डू वी डू दैट? फर्स्ट तो हमें एडमिट करना चाहिए ना कि ये है. हम कब तक ये कहते रहेंगे कि नहीं जी हम तो ऐसे नहीं है? शायद होते होंगे लोग. हम क्यों नहीं एडमिट करते कि हमारे अंदर भी ये सोच धीरे 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 आती जाती है? हम उस सोच को पहले तो एक्सेप्ट करें, फिर हम कहें कि हम अपनी सोच को क्या बदल सकते हैं, क्या हम इसको बदलना चाहते हैं, अगर हम बदलना चाहते हैं तो हम कैसे बदलें. पहली बात तो यही कि आप मुझसे बात कर रही हैं और आप मुझसे सवाल पूछ रही हैं. दिस इज द फर्स्ट स्टेप एंड दिस इज अ वेरी हेल्दी फर्स्ट स्टेप. The fact that you think it's okay to ask and the fact that I think it's okay to answer your question means that there is a healthy space between you and me. So all I'm saying is we need to have healthy spaces. Wonderful. I hope, Sara, you got your answer. Thank you. Thank you so much. And quickly going to Mr. Sandeep Singh's question. He is asking, in this era of online platforms, multimedia, podcasts, YouTube channels and videos, is written literature finding it difficult to find its relative space among the youth? मैंने पहले भी example दिया था WhatsApp का कि ये जो social media है इसने आसानी भी की है बहुत तरह से. हमारे driver के पास, हमारे cook के पास, सबके पास आजकल WhatsApp होता है और आप उनको WhatsApp पे call कर सकते हैं, text कर सकते हैं and all that. So of course it's made life simpler. But what it has done is that it has made the propagation and the multiplication of thoughts and ideas that much simpler and quicker. In the process, there are no filters. There is no check and balance. Aap koi bhi post dal sakte hain Twitter pe, aap kuch bhi likh sakte hain Facebook pe, aap koi bhi galat sahi share forward kar sakte hain ye kehke ki ye Ghalib ka hai ya bechare Gulzar sahab ke sath bahut aksar hota hai. Wo hanste hain aur kehte hain bhai main to kabhi soch bhi nahi sakta ki main itni buri shayari karunga. तो गलत सही कोई भी चीज आपने किसी का भी नाम लिख दिया और आपने फॉरवर्ड कर दी, यू नो. तो सोशल मीडिया ने हमारा नुकसान भी किया है एक लिहाज से. मुझे नहीं लगता कि इट कैन टेक द प्लेस ऑफ बुक्स. अगर मैं आपका सवाल सही समझ रही हूँ तो आप ये कह रहे हैं कि कैन इट टेक द प्लेस. आई थिंक बुक्स की अपनी एक अहमियत है. आप चार लाइनों में या आठ लाइनों में क्या कितना कुछ कह सकते हैं, कहने को आप एक बड़ी बात कह सकते हैं. आफ्टर ऑल उर्दू के शायर ने तो दो लाइन के शेर में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं. मुमकिन है कहना, लेकिन यू कैन रेप्लिकेट और रिप्लेस अ बुक. जो किताब पढ़ने का मजा है वो तो अलग ही मजा है. नहीं, ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. तो आई होप संदीप जी को उनका जवाब मिल गया होगा. अगला क्वेश्चन मैं ले रही हूँ पल्लवी जी का. ये पूछ रही है, एज एन एडिटर एंड राइटर, वेयर डू यू सी द फ्यूचर ऑफ द Nastalic script and its usage? Do you think it's possible to create greater and easier access to Urdu books in Nastalic in India? देखिए Nastalic की बात जैसे मैंने कही कि बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं अलग अलग. अच्छा, ऑनलाइन कोर्सेज का फायदा यह है कि दिल्ली से कोई कर रहा है कहीं से, लेकिन आप नागपुर में बैठ के या लंदन में बैठ के कहीं से भी उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं.
लॉकडाउन ने हमें ये सिखाया है कि जूम कॉन्फ्रेंसेज अब नॉर्मल हो गई हैं, यूनिवर्सिटीज में सेमिनार्स तक ऑनलाइन हो रहे हैं, हर चीज़ें बिजनेस मीटिंग से लेके हर चीज़। तो नसले की बात जहाँ तक है और कोई भी स्क्रिप्ट पढ़ने की या लैंग्वेज पढ़ने की बात जहाँ तक है, पहले यह था कि आपको फ्रेंच पढ़नी है तो आप एलियंस फ्रांसिस जाएंगे या मैक्स मुलर भवन जाएंगे जर्मन पढ़ने के लिए, अब आप ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह से उर्दू की लर्निंग की जहाँ तक बात थी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं गोवा गई तो मुझसे लोगों किसी एक सज्जन ने आके ऑडियंस के बाद कहा कि आई एम वेरी इंटरेस्टेड बट यू नो इन गोवा देर इज नो ऑनलाइन, देर इज नो कोर्स, देर इज नो प्लेस टू लर्न उर्दू। तो उन्होंने मुझसे ये भी कहा था मुझे बेसिक अल्फाबेट आता है लेकिन मैं पढ़ नहीं पाती हूँ, तो आई सेड आप उर्दू का अखबार लगवा लीजिए, रोज़ आपके पास उर्दू का अखबार आएगा, आपको उससे प्रैक्टिस होती रहेगी। सो आई सेड मैं उर्दू का अखबार भी कैसे लगाऊँ गोवा में, तो कोई उर्दू का अखबार भी नहीं मुझे मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आजकल इन दिस डे एंड एज बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक आई थिंक दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैव मल्टीप्लाइड टू द एक्सटेंट दैट सो मेनी कोर्सेज, सो मेनी थिंग्स आर बीइंग मेड अवेलेबल टू यू ऑनलाइन that maybe your own city is not catering to it, but you can find something that suits your budget, your time, your requirements, and you can do it online. Perfect. So to answer your question, yeah, I mean, Nastaleek is for many people an obstacle. They say, hame Urdu mein to bahut interest hai, lekin hame script nahi aati. To aap hamare liye Devanagari mein ye available kar dijiye, hum padh lenge. मेरा ये कहना है कि हर चीज़ के लिए हम प्लान बी क्यों बना के रखते हैं, हमारे पास प्लान बी है कि अच्छा ठीक है उर्दू में नहीं मिल रहा, हम देवनागरी में पढ़ लेंगे। मैं ये कहती हूँ कि आपको रशियन पढ़नी होती है, आपको चाइनीज़ पढ़नी होती है फॉर बिजनेस, तो आप मेहनत करके चाइनीज़ और रशियन सीखते हैं ना, आप अपने बिजनेस पार्टनर से ये तो नहीं कह देते कि नहीं जी इंग्लिश में मुझसे बात करो तभी मैं बात करूँगा। आई मीन सो मेनी चाइनीज़ लैंग्वेज सेंटर्स ऑल ओवर, वाई, बिकॉज वी डू सो मच ट्रेड विद चाइना, सो वी वॉन्ट टू लर्न द लैंग्वेज। तो मैं ये कहती हूँ आप मैथ्स ट्यूशन अपने बच्चे के लिए रखते हैं, आप 5,000 रुपए देते हैं उसके लिए, तो आप वो 5,000 रुपए दे के क्यों नहीं एक लैंग्वेज सीख लेते। सो इट्स हाउ मच डू यू वांट टू इन्वेस्ट इन व्हाट इज योर इंटरेस्ट। राइट राइट, एब्सोल्युटली, वेरी करेक्टली सेड, यू हैव टू यू नो लिटरली लर्न द थिंग व्हाट यू रियली वांट टू डू। थैंक यू सो मच फॉर दैट क्वेश्चन, एंड आई विल टेक लास्ट क्वेश्चन नाउ, and this is by Niyama Chimtanwala. She is asking, can you kindly mention the book of the Pakistani women and their stories once again? It's called Neither Night Nor Day. It was published by HarperCollins. I forget the year, 2008 or something, but you'll find it online. HarperCollins has published it. Okay, wonderful. So that there is one more question, if it is okay, can I just take that last one? Okay. Nivedita is again asking, mentioning your name, that Ms. Rakshanda, are you saying you can approach a person's autobiography from a point of view and which does not necessarily cater to all of their life? Autobiography or biography mein farak hai. Autobiography wo hoti hai jo aapne khud likhi hoti hai. To usme to you choose ke main apni zindagi ke is hisse ke bare mein baat karungi ya nahi karungi ya kis had tak karungi ya sach bhi bolungi ya part sach bolungi. So autobiography is a different kettle of fish and nobody can decide for you. मैं जो बात कर रही थी biographies की बात कर रही थी। Biographies वो होती है जो कोई दूसरा बंदा आपकी जिंदगी के बारे में लिखता है। Biography में भी आप it's the parameter you set for yourself. I decided that I'm not interested in very personal details of my subject's life. Very, very personal details, because फिर वो gossip के realm में आ जाती है. And I'm a serious writer. I'm not interested in loose talk. I'm not interested in gossip. I'm only interested in those things that are pertaining to that person's literary life. ये मेरा अपना agenda था. मतलब अपना agenda तो नहीं, मेरा अपना brief था अपने लिए. You know? तो ये आप डिसाइड करेंगे। अब जैसे अभी रिसेंटली मैं पढ़ रही थी, गुरुदत्त पे एक नई किताब आई है, वेरी रिसेंटली इट्स अ न्यू बुक, एंड दैट पर्सन हैज आल्सो दैट ऑथर हैज यासिर अराफात हैज रिटन ऑन रेखा एंड राजेश खन्ना एंड सो ऑन। अब आप फिल्म एक्टर पे अगर किताब लिख रहे हैं तो आपके इंटरेस्ट नेचुरली डिफरेंट हैं, फिर तो आप बात करेंगे वॉज दैट इन अ सीरियस रिलेशनशिप विद सो एंड सो, वॉट वॉज दैट रिलेशनशिप विद फलाना डायरेक्टर। सो Your subject also decides that, na? For me, it didn't seem important ke uski kya relationship thi X ke saath ya Y ke saath. Wo mere liye important nahi tha. So okay. it's what is, who is your subject? What kind of world they inhabit? What is the context of their life? I think that also makes some difference. Okay. Thank you so much. Hope Nivedita. When you're writing about Rekha, I think you will end up mentioning Amitabh Bachchan.
in some way, right? Yeah. But when I'm writing about Shahryar, I don't have to write about anything else apart from his poetry if I don't want to. Right. Got that makes it much more clear. Yeah. Right. So I think we are done with the questions. Now I request Parveen Tuli to propose the word of thanks. Thank you so much. Thank you, Jyoti. I think such an insightful session, and so far the most extended session of Kalam so far. So we have extended more than our limited time, but I hope we can actually enjoy the sin that we have made, but that's fine. Lovely. Thank you. Yeah. Thank you. It's been a great pleasure. Bye-bye. Yeah. Take care. Yeah, I would also love to thank Prabha Kitan Foundation, as well as SAS Women of Nagpur, our venue partner, Edison Blue, that, and our media partners, Lokmat and Sri Cement, and all the great audience and our enthusiastic questions that made this session a great, great success. Thank you, everybody, for joining in. And thank you, Rakshanda Ji, for giving us your time and presence. Thank you so much, Parveen. Truly a pleasure. Bye-bye. See you.